तो बात हम लोग कर रहे हैं किस चीज की, कैलकुलस की, क्योंकि काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले क्या चीज समझना है हम लोगों को, कैलकुलस। कैलकुलस जब समझ लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस बनने लगेंगे, और कैलकुलस आपको पढ़ना होता है 12th में, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं इसको 11th के फिजिक्स में, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। 11th के फिजिक्स के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको समझने के लिए कैलकुलस का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक टर्म्स कैलकुलस से रिलेटेड। तो एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं, ठीक है, कैलकुलस हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो कैलकुलस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले मैथ्स क्या है, तो मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, सबसे पहले ये लिखे। उसके बाद क्या लिखा था कि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, उसके बाद क्या था कैलकुलस। तो कैलकुलस वो ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम लोग जिसका यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट को फाइंड करने के लिए, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट को फाइंड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस रेट को फाइंड करने के लिए पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बेसिक टर्म्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले क्वांटिटी के बारे में पढ़ा, तो क्वांटिटी क्या चीज है, तो जिसको हम मेजर कर सके, जो मेजर हो सके वो क्या है, क्वांटिटी। और उसके बाद क्वांटिटी कितने तरह का, तो दो तरह का, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल। कॉन्स्टेंट क्या होता है, तो जो फिक्स्ड हो, वो दो तरह का होता है, टेम्पोररी और परमानेंट। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, वेरिएबल, तो वेरिएबल जो फिक्स्ड नहीं हो। वेरिएबल कितने तरह का, दो तरह का, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट को क्या बोले थे, मेरी मर्जी, और डिपेंडेंट को क्या बोले थे, तेरी मर्जी, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग के वेरिएबल को ही उठाकर हम लोग डिपेंड जो टर्म है कि फलाना डिपेंड्स ऑन समथिंग, तो जो डिपेंड्स है उसी को एक और टर्म से हम लोग समझ रहे थे, इज फंक्शन ऑफ, मतलब फंक्शन ऑफ कहीं लिखा है तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, डिपेंड्स कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिए थे कि भाड़ा डिपेंड कर रहा है किस पर, फेयर डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। तो ये जो डिपेंड्स अपॉन है इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शन ऑफ। तो फेयर मान लीजिए, फेयर को क्या मान लिया हम लोग, एक्स, या इसको मान लो वाई, और डिस्टेंस को मान लो क्या चीज, एक्स। तो वाई इज फंक्शन ऑफ वाई, फेयर डिपेंड्स ऑन अपॉन डिस्टेंस, तो वाई इज फंक्शन ऑफ, मतलब जो डिपेंड्स अपॉन है उसी का दूसरा नाम क्या है, कोई दिक्कत इतना में, फंक्शन ऑफ। और थोड़ा बोलिए आप लोग, ठीक है, वाई इज मरा इज, इसका मतलब इक्वल टू, ठीक है, इज बराबर, इसका मतलब इक्वल टू, और फंक्शन को एफ, और ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। और उसके बाद आपको बताए थे कि ये बता रहा है कि कौन किस पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन किस तरह डिपेंड करेगा वो आपका आ जाएगा अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, जिस पर कल क्वेश्चन कराए थे, वाई बराबर एक्स स्क्वायर ऐसा करके, और बोले थे कि एफ एक्स ये था, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, और ये इस तरह से भी इस पर रिलेट हो रहा है, तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो f x का वैल्यू अगर 1 डाल दे तो कितना होगा, तो 1 पुट करके सॉल्व किए थे कल, कितना आया था। उसके बाद मान लो 2 डाल दिए तो कितना आ गया, 5। इस तरह का काम किए हम लोग कल। उसके बाद क्या किए, तो उसके बाद हम लोग इसी चीज को, ठीक है, जो इसी चीज को, मतलब कि y डिपेंड कर रहा है और x क्या है, सर 6 है, x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। तो y डिपेंड कर रहा है और x क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसा लिखे थे, y अपॉन x, जो डिपेंड कर रहा है उसको ऊपर, जो इंडिपेंडेंट है उसको नीचे, और बोले थे कि इसके चेंज को किससे दिखाते हैं, डेल्टा से। और डेल्टा से जब चेंज दिखाते हैं तो ये कहलाता है आपका रेट, और इसी को हम लोग जो भी होगा ये क्वांटिटी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एवरेज। अगर मान लो कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है तो ये कहलाएगा एवरेज स्पीड। क्या यहां तक की कहानी हम लोगों ने कल कर लिया था, कोई दिक्कत इतना में, तो इतनी बातें हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक क्या था कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या, यही था ना, शुरुआत ही यही है कि कैलकुलस क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस रेट।
इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। रेट हम लोग समझ गए, रेट हम लोग समझ चुके हैं। अब इस इंस्टेंटेनियस रेट को फील करेंगे, ठीक है। इस इंस्टेंटेनियस रेट को क्या करेंगे? फील करेंगे। अगर आप पहली दफा इस लेक्चर को देख रहे हैं तो ये जो भी बातें हमने बताई अभी, ये इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है, उसका लिंक यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये आपके नोट्स में ऑलरेडी है। अब बात करते हैं आगे किसकी? इंस्टेंटेनियस रेट। चलो तो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, कॉपी निकाल लीजिए। जैसे मान लो दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब कि y फंक्शन है किसका? एफ एक्स का, ठीक है। y फंक्शन है एफ एक्स का। फाइंड डेल्टा y बाई डेल्टा x फॉर x इज इक्वल टू 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 एक्स बराबर वन। इसको बनाइए फटाक से। चलिए तो क्या था y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये निकालना था। तो सबसे पहले आपको क्या सिखाए थे? एक डब्बा बनाइए, ऐसा आपने जूनियर क्लास में किया होगा, कोऑर्डिनेट वाले। इसमें ऊपर कौन इंडिपेंडेंट है? तो x डिपेंडेंट कौन है? y। तो x की वैल्यू पुट कीजिए सबसे पहले 1, या 1 पुट कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद कितना डालना है? 2 डालना है, तो 2 डालिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 और 2 6। मान लो 3 भी ले लेते हैं तो 3 डालो तो 3 तिहाई 9, 9 3 12। 4 ले लीजिए तो कितना होगा? तुम लोग बोलो। 4 चौके 16, 16 4 20। 5 में बोलो 30, कितना होगा? 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब कितना में पूछ रहा है, तो कल फॉर्मूला लिखवाए थे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बराबर, ये क्या हो जाएगा? वाई कितना पर? 2 पर माइनस 1 बाई एक्स कितना से कितना? 2 माइनस 1। तो वाई 2 पर, 2 पर वाई कितना है? 6। और 1 पर कितना है? 2 है, तो 6 माइनस 2 अपॉन 1 कितना आ गया इसका? 4। दूसरा बनाओ, x बराबर 2 x बराबर 1 2 x बराबर 3। x बराबर 1 2 x बराबर 3, चलिए देखिए। तो अब दूसरा सवाल कितना पर निकालना था? x बराबर 1 से लेके 3, तो 1 भी निकाले हुए हैं और 3 भी निकाले हुए, तो ये हो जाएगा y 3 माइनस y 1 by 3 माइनस 1। तो 3 पर कितना होगा? 12, और 1 पर कितना है? 2। 3 में से 1 गया 2, तो कितना आ गया? 10 बटा 2, तो कितना आ गया? 5, ठीक है। तो किस तरह से ये सॉल्व करना है, ये इसकी इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में या कल हम लोगों ने इसके बारे में स्टडी कर लिया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये चूंकि रिकॉल करा दिए हैं कि किस तरह से और कहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब फील करते हैं किस चीज को? इंस्टेंटेनियस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और एस बराबर टी स्क्वायर, ठीक है। और थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छे से करना और समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। एस बराबर टी स्क्वायर, एस बराबर क्या है? एस बराबर टी स्क्वायर। एस यहां पर है पोजीशन, एस यहां पर क्या है? पोजीशन। तो पोजीशन मतलब प्लेस, डिस्टेंस। ये किसमें मिल रहा है हम लोगों को? मीटर में। ये किसमें मिल रहा है? मीटर में। टी क्या है?
टाइम, और टाइम किस में? सेकंड में. अब आप ये बताइए, यूनिट डायमेंशन पढ़े हुए, इस बात का जवाब दीजिए कि ये एक्सप्रेशन लिखना सही है या गलत है. डायमेंशनली, डायमेंशनली आपने क्या पढ़ा है? अगर नहीं याद है तो चलिए रिकॉल करा देते हैं. आपने डायमेंशन में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. क्या था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था कि जो डायमेंशन LHS का होगा वही डायमेंशन RHS का होगा. मतलब अगर यहां पर दिया हुआ है डिस्टेंस, तो यहां पर फॉर्मूला में हम लोग क्या लिखते हैं? स्पीड अपॉन या स्पीड इनटू टाइम. ध्यान से देखो तो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में. स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड. और टाइम का क्या होता है? सेकंड. सेकंड से सेकंड डिस्टिक हो गया, तो क्या बच गया? मीटर. और इधर भी क्या बच गया? मीटर. मतलब ये डायमेंशनली सही है, क्योंकि इधर भी मीटर आता है और इधर भी मीटर आता है. कोई दिक्कत इतना में? इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो डायमेंशन LHS का है वही डायमेंशन RHS का. इसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. कोई दिक्कत इतना में? अब उसी बात को थोड़ा एनालाइज करो और बताओ कि क्या ये एक्सप्रेशन लिखना सही है या गलत है. गलत है ये एक्सप्रेशन लिखना. गलत. सब लोग गलत में हो पक्का एकदम? गलत में हो कि बीच में हो? गलत. अब देखो ध्यान से समझो इसको. ये है मीटर और इधर क्या है? तो क्या मीटर और सेकंड बराबर होगा? नहीं होगा. ये डायमेंशनली आपको लग रहा है इनकरेक्ट, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है? करेक्ट. बात समझ में आ रही है? ये एक्चुअली में करेक्ट. अभी इसका प्रूफ समझिए कि ये क्यों करेक्ट है. हालांकि हम लोगों को पढ़ना है ये, लेकिन चूंकि ये बात आ गई है और ये एक अच्छा डिस्कशन है ना, और ये सवाल आपसे कोई जनरली जो अच्छी तरह से फिजिक्स पढ़ा होगा या इस कॉन्सेप्ट को जानता होगा तो अच्छे से आपसे पूछेगा कि बताओ ये सही है या गलत है. लेकिन अमूमन लोग नहीं पूछते, लेकिन आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए ये बता रहे. बात निकल गई है तो देखो, S बराबर क्या है? टी स्क्वायर. इधर क्या है? मीटर. इधर क्या है? सेकंड. आपको लग रहा है कि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, सही नहीं है, लेकिन ये करेक्ट है. क्यों करेक्ट है? क्योंकि इसके अंदर ये जो S है और S के बगल में क्या है? टी स्क्वायर है. तो यहां पर एक कुछ छुपा हुआ है ना. इसको थोड़ा और इधर लिख देते हैं, टी स्क्वायर. तो यहां पर कुछ क्या है? छुपा हुआ है, जिसका यूनिट ऐसा है कि अल्टीमेटली इसके बराबर कर दे रहा है. अल्टीमेटली क्या कर दे रहा है? और वो जो हाइट है उस पर हम उतना चर्चा नहीं कर दे, क्योंकि वो कुछ हम लोगों को ना फायदा पहुंचा रहा है ना नुकसान पहुंचा रहा. लेकिन जब बात होगी कि नहीं उसको आप डिस्प्ले कीजिए, दिखाइए, तब हम उसको क्या करेंगे? जाहिर करेंगे. बात समझ में आ रही? यहां पर वन क्या है? छुपा हुआ है. इधर का यूनिट क्या है? मीटर. इधर का मीटर क्या है? सेकंड स्क्वायर. मतलब ये जो वन है, इस वन का यूनिट जरूर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तभी तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो बच जाएगा क्या चीज? मीटर. मीटर. बात समझ में आ रही है ना? ये बात समझ में आई? यस सर. कि कुछ इक्वेशन ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि ये डायमेंशनली क्या है? इनकरेक्ट है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या होता है? करेक्ट होता है. क्यों करेक्ट होता है? क्योंकि उसके पास कुछ है जो हाइड है. बात समझ में आ रही? अब एक चीज समझो, एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन है जो आप लोग आगे पढ़िएगा काइनेमेटिक्स में. एसेंथ बराबर यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन. अब बताओ ये फॉर्मूला डायमेंशनली सही है कि गलत? एसएन मतलब ये हो गया डिस्टेंस, यू आपका है वेलोसिटी, हाँ काइनेमेटिक्स, ए क्या है यहां पर? एक्सेलरेशन. एन क्या है? टाइम. एन क्या है? टाइम. अब बताओ ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट? तो फिर से बात यही वाली. अगर आप देखिएगा इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एल. मीटर को एल से दिखाते हैं ना, और इसको भी किससे दिखाते? एल. इसका देखो
इसके तरफ डिस्टेंस मतलब एल, यू क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर को दिखाते हैं एल से, और पर सेकेंड मतलब टाइम, मीटर पर सेकेंड है मतलब मीटर सेकेंड इनवर्स, तो मीटर को एल और सेकेंड का टी, और पावर कितना, तो वेलोसिटी का ये हो जाएगा एल टी माइनस वन, होगा ना जी। उसके बाद प्लस हाफ को तो लेना देना है नहीं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहां माइनस टू, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस टू, तो ये क्या आ गया एल टी माइनस टू इनटू इनटू, ये क्या है टाइम है और इस पर कोई पावर नहीं है, तो ये क्या है सिर्फ क्या है टी। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या तुमको इधर एल है, इधर एल बच रहा है, एल बच रहा है, ध्यान से देखो एल बच रहा है, ये आ रहा है एल, ये आएगा एल टी माइनस वन प्लस एल माइनस टू और प्लस वन माइनस वन, तो इधर तो एल है और इधर एल टी माइनस वन है, तो ये डायमेंशनली क्या है इनकरेक्ट है, लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ये न्यूटन का चौथा इक्वेशन है, बात समझ में आ रही, चौथी रानी न्यूटन की, कितना भी चौथी रानी न्यूटन की, तो ये देखने में इनकरेक्ट है लेकिन इसको यूज करते हैं, इसका मतलब इसको यूज नहीं करना चाहिए, तो लेकिन इसमें भी यही खेल है कि इसके अंदर कुछ है छुपा हुआ जो अल्टीमेटली सबको क्या कर देगा एल कर देगा, तो अगर हम डायमेंशनली वाइज लिखें तो देखो कैसे लिखेंगे, इसी को अगर हम डायमेंशनली वाइज लिखेंगे तो इधर एल, इसका एल टी माइनस वन, यहां छुपा हुआ है कौन, इसको फिर से लिखते हैं उसके बाद बताते हैं, एस एंथ बराबर यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, तो ये है आपका एल, ये यू क्या होता है एल टी माइनस वन, तो यहां क्या छुपा हुआ है वन सेकेंड छुपा हुआ है, ये वन सेकेंड छुपा हुआ है, इस वन सेकेंड का यहां टी लिखेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एल बचेगा। उसके बाद एक्सेलरेशन का क्या होता है एल टी माइनस टू, तो इसका मतलब यहां क्या छुपा हुआ है, इसके यहां क्या छुपा हुआ है, फिर यहां वन सेकेंड छुपा हुआ है, तो ध्यान से देखो एल टी, इसका टाइम का क्या लिखेंगे टी, और फिर इसका आ जाएगा तो टी वन, टी वन कितना हो गया टी टू, फिर ये कैंसिल तो क्या बच गया एल, तो एल बराबर ये भी आ गया एल प्लस ये भी क्या आ गया एल। बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि इसको अच्छे तरह से लिखिए इसके ओरिजिनल फॉर्मेट में, तो आप किस तरह से लिखिएगा, जो हिडन जो इसके अंदर छुपा हुआ रूप है उसको भी लिखिएगा, लेकिन इसका कोई चर्चा नहीं है, जैसे सिंपल ऐसा बता रहे हैं आपको, जैसे मान लो कि हम सभी के पास क्या है अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स होता है ना सबके पास, वो पेट के, उसका कोई काम है, कोई काम नहीं है, तो कोई काम नहीं है तो हम लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, उसी तरह ये है, इस वन सेकंड का कोई काम, बात सुनो इधर, इस वन सेकंड का कोई काम नहीं है, जैसे अपेंडिक्स है और वो कोई परेशानी नहीं कर रहा तो हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन जब पेट में दर्द होगा तब जाएंगे डॉक्टर के पास, तब देखवाएंगे कि वो कहेगा अपेंडिक्स आप अपना चेक कराइए बढ़ गया है कि कम है, बात समझ में आ रही, उसी तरह ये अपेंडिक्स है, कोई दिक्कत ये पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन जब पूछा जाए कि बताओ कि इसका ओरिजिनल या इसका सही रूप क्या है, तब हम इसको जाहिर करके लिखेंगे, बात समझ में आ रही। तो हालांकि ये चर्चा नहीं था, लेकिन ये एक अच्छा चर्चा है, किस चीज के ऊपर, डायमेंशन के ऊपर, ये फॉर्मूला आपको और इसका सही रूप ये है, लेकिन इस रूप में भी काम चलता है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। तो अभी से याद रख लो, जहां भी कोई क्वेश्चन मिले और लगे कि वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है लेकिन उसका यूज हम लोग करते हैं, तो इसका मतलब कि उसके अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है जो डायमेंशनली क्या कर दे रहा है करेक्ट कर दे रहा है, बात समझ में आ रही है। तो फटाक से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग इंस्टेंटेनियस को फील करेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए, आपको बताया था कि फील कीजिएगा किस चीज को, इंस्टेंटेनियस को, एवरेज हम लोग समझ गए।
एवरेज निकालने भी आ गया, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ऐसा करके जो भी रहेगा आप निकाल लीजिएगा। अब s बराबर क्या है? t स्क्वायर, इसके डायमेंशन पर चर्चा हो गई। s s बराबर क्या है? t स्क्वायर। s यहां पर एक्चुअली में डिस्टेंस है और t क्या है यहां पर? टाइम। s डिस्टेंस और t क्या है? टाइम। अब इसमें बताओ इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है, और बोलो एस क्या है, एस क्या है, एस क्या है, एस क्या है, क्या है एस क्या है? डिपेंडेंट है ना जी। एस क्या है? डिपेंडेंट है। और टी क्या है? टी है इंडिपेंडेंट। अच्छा इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब क्या बताते हैं? डिपेंडेंट बोले तो तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, और इंडिपेंडेंट बोले तो मेरी मर्जी, इंडिपेंडेंट बोले तो मेरी मर्जी। अब देखो एस बराबर क्या है? टी स्क्वायर। ठीक है, ये डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट। अब इससे आपको इसका दो चीज निकलेगा, है ना, इसका क्या निकलेगा? दो चीज निकलेगा, मतलब कि किसी भी रेट का दो रेट होता है, किसी भी रेट का दो रेट होगा। एक जो आपने सीख लिया, एक एवरेज रेट और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस, इसका हम लोग निकाल। और एवरेज रेट कैसे लिखते हैं? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई, ऐसा फॉर्म में। तो यहां बताओ, और ऊपर क्या होता है? ऊपर किसको लिखते हैं? डिपेंडेंट, और नीचे कौन होता है? इंडिपेंडेंट। तो यहां ऊपर किसको लिखेंगे? एस डेल्टा एस अपॉन, फॉर्मूला बोला, एस टू माइनस एस वन बाई टी टू माइनस, तुम लोग बोल नहीं रहे हो यार, टी टू माइनस टी वन। अब देखिए इस एवरेज, ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में। इसको क्या बोलते हैं? स्पीड की वेलोसिटी, स्पीड। तो ये आपका क्या है? एवरेज स्पीड। कोई दिक्कत इतना में? अब एवरेज स्पीड है तो आप निकालिए टी बराबर, सबसे पहले तो इसका हम चार्ट बना लेते हैं, पापड़ी चार्ट। कौन सा चार्ट, कौन सा चार्ट बनाए? इंडिपेंडेंट कौन है? टी। नीचे एस पहले डालिए, जीरो जीरो डालो, यहां कितना आएगा? जीरो आएगा, जीरो। वन डालो, टू डालो, टू डालो, फोर, थ्री, फोर। कोई दिक्कत इतना में? चलिए अब आप हमको निकाल कर बताइए वी एवरेज, और भाई वी एवरेज कहां से कहां? दो से तीन के बीच में। वी एवरेज कितना से कितना बताओ, कितना आएगा? दो से तीन कितना आएगा? अरे वही स्पीड है, स्पीड को ही वी से दिखा रहे हैं। चलो इसको डिस्प्लेसमेंट कर लो अब, ठीक है, यह आ गया एवरेज वेलोसिटी। अब वी से दो, दो से तीन, तीन पर कितना है? नौ, नौ, नौ में से, और दो पर कितना है? चार, नौ में से चार गया, और तीन माइनस दो कितना आया? पांच मीटर पर सेकंड। वी एवरेज निकालिए तीन से चार के बीच में बताओ, तीन से चार के बीच में बताओ, तीन कितना? नौ, तीन कितना? नौ, और चार कितना? सॉरी, सोलह माइनस नौ कितना आएगा नीचे? एक से चार के बीच में बताओ, एक से चार के बीच में बताओ कितना आएगा? फिफ्टीन। चार पर कितना है?
16, एक पर कितना है, एक पंद्रह भाई कितना है क्या कोई दिक्कत इतना में? अब आगे देखिए, चलो हंसो नहीं, अब ध्यान से देखो, इस पर निकाल के बताओ हमको कितना आएगा, कितना आएगा, कॉपी कलम चलाओ फिर बताओ, जीरो 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 पक्का एकदम। तुम लोग जो कितना आएगा, जीरो जीरो अगर तुम बोल रहे हो तो इसका मतलब कि जीरो मीटर पर सेकंड, और जीरो मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है, ये क्या है, ये क्या है, स्पीड कब होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, तभी ना स्पीड है भाई, अगर वो मोशन में नहीं है तो स्पीड होगा क्या, नहीं होगा, स्पीड उसके पास नहीं है। तो यहां पर आप बताइए कि ये कब से चल रहा है, जीरो से चल रहा है, और जब एक सेकंड हुआ तो उसके पास डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक मीटर हुआ, तब ना वो फिर दो में पहुंचा, तो आपके अकॉर्डिंग एक पर वेलोसिटी जीरो है तो एक पर वो रुक गया, लेकिन गाड़ी यहां चल रही है, गाड़ी क्या है, यहां चल रही है कि रुकी हुई है, क्या है, इंजन ऑन है, एक पर बताओ क्या होगा, जीरो होगा कि क्या होगा, तुम लोग हो उल्लू के चरखे, एक पर एक, एक पर कितना है, नीचे भी क्या होगा, जीरो अपॉन जीरो जीरो, कहां से मैथ्स पढ़ के आए हो, जीरो अपॉन जीरो क्या होगा, अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड, इंफिनिटी को ही अनडिफाइंड बोलते हैं, वी एवरेज कितना, एक पर कितना आ रहा है, अनडिफाइंड, अब मजाक नहीं, अब सुनो ध्यान से, वी एवरेज एक पर कितना आ रहा है, क्या गाड़ी रुकी हुई है, नहीं रुकी हुई है, गाड़ी क्या है, चल रही है, लेकिन एक पर ये कितना दे रहा है, अनडिफाइंड, मतलब बोल रहा है कि मेरी यहां पर क्षमता क्या है, खत्म, अब हम इस पॉइंट पर हम जवाब नहीं दे सकते हैं, मतलब ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला हमको दो से तीन, तीन से चार, एक से चार, तो ध्यान से देखो, दो और तीन के बीच में डिफरेंस है, तीन और चार के बीच में भी डिफरेंस है, एक और चार के भी बीच में डिफरेंस है, लेकिन ये सेम पर निकाल रहा है, सेम पर निकाल रहा है, इसका मतलब कि हम एक सेकेंड पर पूछ रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, हम ये जो दो से तीन है ये एक्चुअली में क्या है, इंटरवल है, दो से तीन एक्चुअली में क्या है, लेकिन ये इंटरवल नहीं है, हम उस लम्हा पर पूछ रहे हैं, उस इंस्टेंट पर पूछ रहे हैं, और जब इंस्टेंट की बात होगी तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कहेगा कि मेरे बस का बात नहीं है, अब हम इस पॉइंट पर काम नहीं कर सकते, हम सिर्फ काम किस पर करेंगे, इंटरवल, या इंटरवल नहीं है, ये बात समझ में आई, लेकिन इस इंटरवल पर यह क्या बता रहा है, सही जवाब नहीं बता रहा है, अब इस इंटरवल पर यह सही जवाब नहीं बता रहा है, लेकिन एक्चुअली में गाड़ी चल रही है, इसके अकॉर्डिंग ये उसको डिफाइन नहीं कर रहा है, तो यहां पर इसका लिमिट लग गया, लिमिट कहने का मतलब कि यहां पर ये अपना हथियार क्या कर रहा है, डाल दे रहा है कि भाई मेरे बस का बात नहीं, सिलेंडर नहीं होता, सरेंडर होता है, बात समझ में आ रही है, इस पॉइंट पर यह खेल, मतलब ये इस पॉइंट पर काम नहीं कर पा रहा, अब जब यहां पर ये काम नहीं कर पा रहा है तो अब कैलकुलस कहता है कि आओ मेरे पास और मैं तुम्हें बताता हूं कि इसका रास्ता क्या है, बात समझ में आई, तो अब यहां इस पॉइंट के लिए हमको किधर घूमना पड़ेगा, कैलकुलस के,
इस पॉइंट के लिए हमको इस वैल्यू के लिए हमको किधर घूमना पड़ेगा? कैलकुलस की तरफ। क्या इतने में दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं ना? कहानी क्या है ये समझिए फिर से। ये फंक्शन दिया हुआ है, डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। टाइम चेंज होगा तो डिस्टेंस चेंज होगा। हम जीरो से चार तक देखे तो चेंज हो रहा है, और इसका हम इसका जो रेट निकाले तो दो रेट निकला, एक एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस। एवरेज हम निकालते गए, जब जब इंटरवल मिला सब पर हमको वैल्यू मिला, जहां इंटरवल नहीं वहां हमको वैल्यू नहीं मिला। इसका मतलब कि ये पॉइंट पर ये बताने लायक नहीं। तो इस पॉइंट पर कौन मदद करेगा? हमारे कैलकुलस। तो यहां फील कीजिएगा कि कैलकुलस, यहां फील कीजिएगा कि कैलकुलस की जरूरत क्यों है। यहां पर ये फेल कर गया, अब यहां पर कौन बताने आ रहा है? कैलकुलस। एक एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा, एक एग्जांपल से आप एकदम फर्स्ट क्लास समझ लीजिएगा। मान लो सिराज है, ये स्पेलिंग लिखते हो ना सिराज? सिराज है, ठीक है। और सिराज, ये सिराज है, अब देखो सुनो ध्यान से, इस एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगा। सिराज का मान लीजिए 15 साल का है। सिराज कितना साल का है? 15 साल का है, ठीक है। और इसकी हाइट है 4 फीट। इसकी हाइट कितनी है? 4 फीट। सिराज है, हाइट कितनी इसकी? 4 फीट। एज कितना? 15 साल। एक साल बाद ये कितना का हो जाएगा? 16 साल। अब मान लो कि 4 फीट था और लोग इसको बौना बौना चिराता था, दिल पे नहीं लेना, ठीक है, लोग इसको बहुत परेशान करता था। ये घर पे आया, बोला कि नहीं मम्मी हमको इससे निजात चाहिए, तो भर पेट इसको कॉम्प्लान पिलाया गया। सुबह उठ रहा है कॉम्प्लान, शाम को एकदम, मतलब कि कॉम्प्लान, और समझो कि इसका पूरा जो मील था वो क्या था? कॉम्प्लान। और भर पेट कॉम्प्लान पिया, और इतना पी लिया कॉम्प्लान कि एक साल में ये कितना हो गया? 6 फीट। एक साल में कितना ग्रो कर गया? 6 फीट ग्रो कर गया। अब ध्यान से सुनो, इसके हाइट में बदलाव आया है, इसके हाइट में बदलाव आया, इसके हाइट में बदलाव आया, कितने साल में? कितने साल के इंटरवल में? एक साल के इंटरवल में। तो इससे अगर हम पूछे कि एक साल के इंटरवल में इसके हाइट में बदलाव आया है, तो रेट हम निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। रेट कैसे निकालेंगे? तो कितना फिट था? 6। कितना हो गया? 4। कितना कितने साल में 6 था? 16 में। 4 कितने में था? 15 में। इसका मतलब 2 फीट पर ईयर, यही ना इसका रेट आया। यहां तक तो हम इसका हाइट का रेट निकालने में सक्षम रहे एकदम। अब मान लो कि इसको और चेंज करते हैं, इसको और चेंज करते हैं कि नहीं, आपसे पूछा गया कि नहीं, ये तो साल में है, पर मंथ बताइए कितना बढ़ा। तो पर मंथ एक साल में कितना हो जाता है? 2 फीट एक साल में कितना महीना? 12 महीना। तो 2/6 मतलब 1 फीट पर 6 मंथ बाद ये हुआ। अब देखो ये बोला कि नहीं, ये तो 1 फीट पर 6 मंथ पर है, हमको मंथ पे चाहिए। तो 1 फीट में कितना इंच होता है? 12 इंच। और 6 मंथ, इसका मतलब पर मंथ कितना बचा बढ़ा? हर मंथ ये कितना बढ़ रहा है? 2 इंच। अब इसके बढ़ने का जो रेट है हमको मालूम चल गया कि हर महीने ये कितना इंच भाग जा रहा है। अब इसके ऊपर छत ढलाएगा, नहीं तो और ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ रही? हर मंथ कितना भाग रहा है? ये 2 इंच, ठीक है। अब मान लो कि इसको नोट किए कि मिटा दे, चलो देखो अब समझिए इसके आगे की कहानी। देखो 2 इंच कितना हो गया? 2 इंच पर मंथ। अब इसका बर्थडे कब है जी तुम्हारा? 5 जनवरी। जियो, सटीक डेट बोला। अब देखो 5 जनवरी मान लो कि 2021, और फिर 5 जनवरी 2000
22। तो जब जब 4 जनवरी 2022 चल रहा है और रात का कितना बज रहा है, 11:59, और ये मोबाइल में टकटकी लगाए हुआ है कि लोग का विशेष आएगा, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। तो एक चीज बताओ कि 11:59 और जब ये 12 बजेगा, मतलब कि ठीक एक मिनट, ठीक है, 59 और 12 के बीच में एक मिनट ना हुआ जी, ठीक है, एक मिनट, क्या इस एक मिनट में हर मंथ इसका कितना बढ़ रहा है, 2 इंच, मतलब ये जो बढ़ने का रेट है ये पर डे हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा, बढ़ने का जो रेट है वो क्या हो रहा होगा, पर डे थोड़ा थोड़ा होगा। तो अब आपसे इससे पूछा गया कि 11:59 और 12 बजे के बीच में भी तो इसका कुछ ना कुछ रेट रहा होगा, रेट ऑफ हाइट, रेट ऑफ कितना के बीच में, एक मिनट के बीच में। लेकिन ये जो रेट ऑफ हाइट है ये हम किसी इंस्टेंट पर जान रहे हैं, इंस्टेंट बोले तो लम्हा, बात समझ में आ रही है। आप इस वाले पर तो एवरेज निकाल ले रहे हैं, लेकिन यहां है, यहां पर क्या कहिएगा कि इसका एज, इसका हाइट नहीं बढ़ रहा है, जैसे इससे पहले बोल रहे थे 0 0, क्या यहां पर भी 0 होगा, क्या नहीं है, अगर 0 नहीं है, 0 नहीं है, इसका इसका प्रूफ क्या है, क्योंकि 4 जनवरी 2022 को इसका हाइट कितना है, अब फिर अगले बर्थडे में कितना हो जाता है इसका, 6 फीट, तो बढ़ रहा है तभी तो 6 पहुंचा, नहीं बढ़ता तो वहीं पर रुक जाता, तो गाड़ी उसी तरह चल रही थी। तो उस पॉइंट पर ये वाला फॉर्मूला क्या कर गया, फेल कर गया, बात समझ में आ रही, उस पॉइंट पर ये वाला फॉर्मूला क्या हो गया, फेल कर गया। तो बचा कौन सा फॉर्मूला, मतलब ये वाला फॉर्मूला इस पॉइंट पर क्या हो गया, फेल हो गया। तो इस पॉइंट पर अब अलग तरह का हमको कैलकुलेशन चाहिए, तो इसलिए हम लोग लाते हैं क्या, कैलकुलस, और ये जो रेट कहलाता है इसको क्या बोलते हैं, एवरेज, और इस वाले रेट को जो किसी इंस्टेंट पर निकाला जाए इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंस्टेंटेनियस। क्या फील हुआ, कुछ ज्यादा ही फील हो गया, फील हुआ कि कैलकुलस क्यों पढ़ना चाहिए, फील हुआ कि कैलकुलस पढ़ने का रीजन, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है। आप जब भी इंटरवल पर निकालिएगा एवरेज फर्स्ट क्लास रिजल्ट देगा आपको, लेकिन जब इंस्टेंट पर आइएगा तो एवरेज क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। उस पॉइंट पर आपको क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस वाला रेट, और वो हमको कौन देगा, कैलकुलस। इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसको और हम अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, ठीक है, और इस पर क्वेश्चन कराएंगे ताकि और अच्छे से फील हो सके। तो इसका नेक्स्ट लेक्चर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है तो आप देख सकते हैं, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़। तो नोट कर